उत्तर प्रदेश में जल्द ही कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं नेताओं के लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। इस बीच आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का भी बयान सामने आया है। धर्मेंद्र यादव किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने मथुरा पहुंचे थे। वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर जमकर हमला बोलते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जनता बीजेपी की नीतियों से अब उब चुकी है। इसका परिणाम लोकसभा में भी आया है। यूपी में बढ़ते क्राइम को लेकर उन्होंने कहा कि यहां क्राइम की स्थिति बहुत ही खराब है। फर्जी एनकाउंटर कर ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। बहुत बद से बदतर हालत कर दी है क्राइम की। फर्जी एनकाउंटर करके अपनी पीठ ठोंक रहे हैं, जबकि एक जाति विशेष के लोग इनकाउंटर कर रहे हैं और अन्य जातियों का कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरी तरह से लोग आजीज आ चुके हैं सरकार से और इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। चुनाव आते ही योगी सरकार की विदाई तय है। जिस तरह से आज योगी सरकार ने कहा है कि आरोपियों का एनकाउंटर होता है, तो यादव परिवार सामने आया था और यादव जो समाजवादी पार्टी है वो गुंडों की पार्टी है। हाँ, चप्पल में दौड़ के एनकाउंटर किया है। इतने बहादुर लोग हैं ना उनके पास हैं, इतने बहादुर लोग हैं। भाजपा के पूर्व सांसद बिरजभूषण सिंह ने कहा है कि जिस प्रकार से कौरवों का तो हुआ था, इसी प्रकार से खिलाड़ियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस मुद्दे को तो अलग बात है, खिलाड़ियों का दुरुपयोग नहीं। खिलाड़ी भी देश के नागरिक है, चुनाव लड़ सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? किस बात का दुरुपयोग है? क्या उनपे कोई रोक है? क्या किस बात की? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या इनकी जांच कराएंगे? बिल्कुल जांच भी होगी, और जो लोग दोषी हैं, निर्दोष लोगों को इनकाउंटर कर रहे हैं या हत्याएं कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। उन्होंने यहाँ भी कहा कि कुल 10 सीटों में होने वाले उपचुनाव में हम पूरी सीट जीतेंगे। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। एक तरफा बहुमत आएगा समाजवादी पार्टी का, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार ही नहीं बनेगी, प्रचंड बहुमत की बनेगी। लोग इंतजार कर रहे हैं, और ये बात मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते केवल नहीं कह रहा हूँ, बल्कि विधान सभी लोकसभा का जो परिणाम सामने आया, जिस तरह से जननायक बन के उभरे हैं माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के जनमानस के बीच, वो चीज़ें आज आपके सामने हैं। उसके लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, ये जनता ने साबित कर दिया है। ब्रजभूषण द्वारा खिलाड़ियों पर दिए गए बयान पर सांसद जी ने कहा कि खिलाड़ी भी देश के नागरिक है, खिलाड़ियों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। खिलाड़ियों का दुरुपयोग नहीं, खिलाड़ी भी देश के नागरिक है, चुनाव लड़ सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? किस बात का दुरुपयोग है? क्या उनपे कोई रोक है? क्या गोरखपुर सांसद रवि किशन ने अखिलेश से सवाल किया था कि अखिलेश बताएंगे गोरखपुर में क्यों और कहां बुलडोजर चलवाएंगे। धर्मेंद्र यादव ने रवि किशन के इस बयान का भी जवाब दिया। क्या चलाने की? गोरखपुर में बुलडोजर की बात कही है कि अगली सरकार जब आएगी तो बता देंगे, जब सरकार होगी तब। अभी से क्यों बताना है? अभी से बता देंगे तो कागज ठीक कर लेंगे जब सरकार आएगी वो भी बता देंगे। कुल मिलाकर यूपी में उपचुनाव के ऐलान से पहले ही सियासी संग्राम मच गया है। बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर को लेकर अखिलेश हमलावर है, तो योगी भी जवाब पलटवार में पीछे नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।